अब जैसे गाइज एक फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक ये आईडी है, पूरी टेबल है सॉरी, कौन से 7 पेट्स की है। अब इसमें से अगर मैंने 2 पेट डिलीट कर दिए, 5 और 6 डिलीट कर दिए, डिलीट ऑपरेशन लगा दिया मैंने और कर्सर ऑटो लोडिंग इस वक्त लगा हुआ है, तो गाइज हमारे पास क्या होगा, सिंपल ये क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे लोड की जरूरत नहीं है, राइट। तो गाइज किन जगहों पे हमें लोडिंग की जरूरत है एंड किन जगह पे नहीं है, कैसे पता चलेगा हमें। अब गाइज यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मैंने डिलीट करा तो डिलीट करके खाली ये कौन सा मेथड रन हुआ गाइज, यहाँ पे क्वेरी मेथड रन हुआ, राइट। तो हमें डेटाबेस रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली क्वेरी मेथड रिलोड कर दिया हमने। तो उससे क्या हुआ, खाली क्वेरी मेथड के थ्रू हमने उसे क्या कर दिया, रिफ्रेश करके दिखा दिया। तो उससे हमें गाइज एक ये देखना है हमें कि जो हमें रिलोडिंग करनी है तो कौन से 3 ऑपरेशन पे करनी है गाइज, डिलीट पे, अपडेट पे एंड इंसर्ट पे। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेटा हो रहा है गाइस उसकी आपको नोटिफिकेशन बैक देनी पड़ेगी कि अच्छा क्या क्या अपडेशन हुई है या क्या चेंजेस हुए हैं, राइट। जबकि जो क्वेरी है गाइस सिंपल, जो भी डेटा अगर हमारा रिमूव होगा वो अपडेट होके सिंपल व्यू हो जाएगा। तो एक तो हमारा यहाँ पे तो क्या है, थोड़ा सा चेंज है गाइस। और इस चीज को पूरा करने के लिए कौन सी चीज हमारे पास आती है गाइस, नोटिफिकेशन URI। नोटिफिकेशन URI बेसिकली कर्सर लोडर का पार्ट है, एक मेथड है, जो मेथड किस पे वर्क करता है गाइस, URI पे वर्क करता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कंटेंट प्रोवाइडर की URI है, राइट, जो हम URI यूज करते हैं, ये क्या होता है, कंपैटिबल होता है दूसरी क्लासेस के फ्रेमवर्क से, नॉट दूसरी क्लासेस के फ्रेमवर्क से सॉरी दूसरी फ्रेमवर्क से। तो गाइस जो हमारा ये कर्सर लोडर है, ये क्या एक फ्रेमवर्क है एंड इसमें भी क्या यूज होता है, हमारा URI यूज होता है। तो हम सिंपल जो इसकी URI है इसको यूज करके नोटिफिकेशन मेथड के थ्रू अपडेट करवा सकते हैं। अब ये गाइस प्रोसेस कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं कि इस पर अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे अप्लाई करके और कैसे ये अपडेट हो रहा है। तो गाइस मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अपने पेट प्रोवाइडर पे आ गया हूँ एंड पेट प्रोवाइडर में ऑलरेडी हमारा यहाँ पे सारा क्या है, कंटेंट लिखा हुआ था गाइस हमने, राइट। अब सबसे पहले किस पे अप्लाई कर देते हैं, क्वेरी पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्वेरी पे मुझे कॉन्टेंट अपडेट नहीं करना है, खाली इसे नोटिफाई करना है कि ये अपडेट हो चुका है, ओके। तो हम यहाँ पे आ गए। अब गाइज ये पूरा जो हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि ये बिल्कुल सही से रन हो रहा है। अब सिंपल मुझे क्या करना है कि जब ये सारे कॉन्सेप्ट रन हो जाए, मैचर हो जाए, वो पूरी क्वेरी दे दे, राइट, तो ये अपडेट कर दे अगर कोई चेंजेस हुआ है, मतलब कर्सर रिटर्न होने से पहले कि जो इन्फॉर्मेशन जा रही है पहले वो चेक करे कि आ उसमें चेंजेस हुए हैं, अगर हुए हैं तो उसे क्या कर दे, रिफ्रेश कर दे। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे गाइस, हम जो हमारा नोटिफिकेशन URI वाला मेथड था वो यूज करेंगे। तो मैं किसकी हेल्प से यूज करूंगा, यहाँ पे कर्सर की हेल्प से। तो कर्सर पे क्या कर दूंगा गाइस, मैं इसे सेट कर दूंगा, कौन सा, सेट नोटिफिकेशन URI। और नोटिफिकेशन URI में के अंदर क्या जाएंगे गाइस, 2 पैरामीटर्स जाएंगे, एक तो पहले मैं कॉन्टेक्स्ट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट कौन सा है, दूसरा हम क्या दे देंगे, कॉन्टेंट रिजॉल्वर दे देंगे एंड दूसरी यहाँ पे जो क्या दे देंगे गाइस, दूसरा पैरामीटर जो है वो यहाँ पे दे देंगे एक URI। अब यहाँ पे बेसिकली गाइस हो क्या रहा है, हमारे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स गए हैं। सबसे पहले तो मैंने कर्सर पे चेक करवा लिया सेट नोटिफिकेशन URI करके कि जब ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया, राइट, कि कोई चेंजेस अगर हुए होंगे तो ये क्या कर देगा, लिसनर को बता देगा। अब गाइस यहाँ पे लिसनर कौन है हमारा, अगर आप थोड़ा सा सोचो, जो हमारी कैटलॉग एक्टिविटी है, राइट, वो क्या होगी यहाँ पे, एज अ लिसनर वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेट कंटेंट रिजॉल्वर, जो हमारा कंटेंट रिजॉल्वर है गाइस, जब ये कॉल होगा इंसर्ट मेथड, तो जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, जैसे अगर हमारी कैटलॉग है तो वो क्या एक्ट करेगा, एज अ लिसनर एक्ट करेगा। तो वो क्या लेगा गाइस, 2 पैरामीटर यहाँ पे सेट नोटिफिकेशन ले रहा है, अगर कोई चेंजेस होंगे तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक्सेस होगा और क्या एक्सेस होगा, URI से मैच करेगा। अगर URI में कोई चेंजेस हुए तो बेसिकली क्या कर देगा गाइस, नोटिफाई कर देगा किसको, कर्सर अडैप्टर को, एंड उस पर क्या कर देगा, सेट कर देगा वो नई वैल्यू जो भी हमारा रिफ्रेश कर देगा। अब गाइस इसमें देखने की बात ये है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं URI, इसमें हम कोई वैल्यू दे नहीं रहे हैं, सिंपल जिस एक्टिविटी में हमें चेंजेस करने हैं, मतलब शो करना है, रिलोड करना है, रिलोड भी नहीं कर रहे हैं गाइस, इसमें सिंपल क्या कर रहे हैं, हम रिफ्रेश कर रहे हैं, मतलब व्यू रिफ्रेश कर रहे हैं, रिलोड भी नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बस उसे क्या कर रहे हैं, URI पास करके और एक कंटेंट रिजॉल्वर पैरामीटर देके गाइस हम सिंपल उसे सेट कर रहे हैं। ये तो हो गया किसका, हमारा क्वेरी का। अब किस पे आ जाते हैं, इंसर्ट पे आ जाते हैं। अब गाइस इंसर्ट में हमें क्या है, इंसर्ट में खाली ऐसे नहीं चलेगा, खाली मैं लिसनर दे दूं एक्टिविटी का, मुझे चाहिए कि इंसर्ट में सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, राइट,
जितने भी लिसनर हैं उन्हें पता चल जाए कि अच्छा अपडेशन हुआ है, कोई इंसर्शन हुआ है, तो उसको करना है रिलोड करके डेटाबेस को शो करना है। तो ये इंसर्शन थोड़ा सा हमारा क्या है, चेंज है। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा इंसर्शन इंसर्ट मेथड है इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा मैं, किस में करेंगे जो हमारा क्या है हेल्पर मेथड है जो इंसर्ट पैट, क्योंकि इसमें ही सारी क्या है फंक्शनैलिटी है हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल सेम ही यूज़ करेंगे। पहले क्या यूज़ करेंगे, गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट कॉन्टेंट रिजॉल्वर, और इसमें क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे गाइज, नोटिफाई चेंज। तो गाइज ये वाला मेथड बेसिकली अभी मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली करता क्या है। पहले इसके पैरामीटर पास कर देते हैं, एक तो ये लेगा गाइज URI और एक यहाँ पे हम क्या पास कर देते हैं, नल पास कर देते हैं। एंड अब इस पर देख लेते हैं। तो गाइज बेसिकली अगर मैं नोटिफाई चेंज पर, अगर आप ये भी देखो इसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन, तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, नोटिफाई रजिस्टर ऑब्जर्वर दैट अ रो वाज अपडेटेड एंड अटेम्प्ट टू सिंक द चेंजेस टू द नेटवर्क। तो बेसिकली गाइज इसका काम क्या होता है कि ये बताता है कि सारे लिसनर्स को जहाँ जहाँ गाइज जो भी चेंजेस हो रहे होंगे राइट इंसर्शन में, ये वहाँ पे क्या करेगा गाइज, उन्हें अपडेट करेगा, नोटिफाई करेगा किस बारे में कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो ये दो पैरामीटर्स ले रहा है गाइज, एक क्या ले रहा है, URI ले रहा है, सिंपल जो हमारा URI है उसके पैलर ये चेक करेगा। और दूसरा हमारा यहाँ पे जो नल ले रहा है, ये बेसिकली क्या है गाइज, अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है हमारे पास, ऑब्जर्वर राइट। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या होता है कंटेंट ऑब्जर्वर, जिसकी वैल्यू क्या दे दिया है मैंने, नल। तो ये बेसिकली अपने आप में एक क्लास है गाइज जो जिसके कॉल बैक मैथड्स होते हैं, और ये कॉल बैक मैथड्स किस लिए होते हैं, जो ये चेक करता है कि इंसर्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर कोई अपडेशन वाला कोई रिफ्रेश अपडेशन वाला कोई मैथड तो अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हमने गाइज यहाँ पर नल दिया है, तो नल देने का मतलब इसमें यह है कि बाय डिफॉल्ट जो इसका फ्रेमवर्क है, जो इसकी क्लास है राइट, किसकी, कंटेंट ऑब्जर्वर की, तो वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या कर दे रहा है कि वो अडेप्टर को सेट कर दे रहा है किस पे, नए वाले URI पे जो भी अपडेट हुआ होगा। तो गाइज हमने ऑलरेडी अडेप्टर दे रखा है, तो ये थोड़ी सी हमारी किसकी, एंड्रॉइड की क्या है बेटर फंक्शनैलिटी है कि अगर हम यहाँ पे नल दें तो ये सिंपल किस पे चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट जो हमारा अडेप्टर होगा उस पर सेट कर देगा जो भी हमने गिवन है, जो भी चेंजेस हुए होंगे। तो हमें अपने आप को ही उसमें गाइज इसके कॉल बैक मैथड्स को रन करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये क्या कर लेगा, ऑटोमेटिकली रन कर लेगा। तो बेसिकली गाइज इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा, सबको नोटिफाई करेगा कि डेटा क्या हो गया है, चेंज हो गया है, किसके किसके लिए, जो पेट की URI के लिए है। अब गाइज ये जो हमने चेंजेस करे हैं इसको क्या इम्युलेटर एक बार रन करके देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्या हमारा अब सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है या नहीं, जो हमें चाहिए था, जो लिसनर्स हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं। एंड आई नो गाइज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लोडर्स कोई आसान टॉपिक नहीं है, हमारे नेटवर्क्स में भी बहुत टफ था, एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा आई नो खिचड़ी टाइप पक गई है कि ये क्या हो रहा है। तो गाइज आप अगर इसे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन मिस ना करो एंड स्टेप बाय स्टेप देखते रहोगे, क्योंकि ये चीज़ गाइज प्रैक्टिस से आती है, जब क्योंकि अभी हमने एक बार नेटवर्क में इसे प्रैक्टिस करा था, फिर यहाँ प्रैक्टिस करा, फिर अभी हम आगे भी गाइज इसे प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा। तो जब आप चार पांच बार इसे एक बार लोडर्स को शुरू कर दोगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, कहाँ पे क्या करना है, कौन सी क्लास कि कहाँ पे हमें सब क्लास यूज़ करनी है। जैसे नेटवर्क में सब क्लासिंग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर लिया, उसके कॉल बैक मैथड्स करके उसे कॉल करवा लिया गाइज। तो यहाँ पे हमें सब क्लासिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक नई क्लास बना के उसकी सब क्लास नहीं करनी, जैसे पिछले उसमें हमने एसिंक टास्क को क्या करा था, सब क्लास बनाया था, यहाँ पे सिंपली हमने डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। तो गाइज ये चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको आता रहेगा ज़्यादा इसमें, क्योंकि गाइज ये वाले जो कोर्सेज हैं ये सिंपल किसके लिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि कौन सी चीज़ ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एंड ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा तो इसे स्किप कर दो, क्योंकि गाइज ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं इवन अगर समझ में ना भी आए तो पता होने बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वाली चीज़ हमने करी क्यों है। ओके तो अब एक बार इसे अपडेट करके इम्यूलेटर पे रन करके देख लेते हैं कि ये चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो गाइज अब क्या देख लेंगे अपने इम्यूलेटर पे एक बार, अब हमारा यहाँ पे क्या रन हो चुका है, जैसे गाइज हमारा पिछली बार क्या हो रहा था कि एम्प्टी स्टेट है ये राइट, अब जब तक हमारे डेटा इनपुट कर रहे थे हमारा सिंक नहीं हो रहा था राइट। तो पहले इसमें क्या कर लेता हूँ, क्वेरी मेथड का देख लेते हैं एंड इंसर्ट मेथड का भी देख लेते हैं।